स्वतंत्र भारत के इतिहास में 28 मई की तिथि एक गौरवशाली अतिथि के रूप में दर्ज होने जा रही है, जब देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के द्वारा भारत के लोकतंत्र की प्रतीक भारतवासियों को नई संसद भेंट की जाएगी, जो नई पार्लियामेंट है, न्यू पार्लियामेंट, आज की आवश्यकता के अनुरूप आगामी 100 वर्ष के विजन को ध्यान में रख करके बहुत दूरदर्शी तरीके के साथ बनाई गई है। सभी को पुरातन और आधुनिक दोनों बातों का समावेश करते हुए हर एक पार्लियामेंटेरियन को वहां पर स्पेस मिल सके, उनके लिए हर प्रकार की सुविधा और आम जन की आवाज को सुनने का एक महत्वपूर्ण मंच हमारी संसद बन सके, इस दृष्टि से भारत की नई संसद उसका एक प्रतीक बनने जा रही है, जो दुनिया के लिए भी एक आदर्श बन सकती है। लेकिन विपक्ष के इस प्रकार की बयानबाजी अत्यंत ही छोपकारी है। ऐसा नहीं कि पहली बार देश के प्रधानमंत्री इस प्रकार के किसी उद्घाटन के साक्षी बन रहे हों। इससे पहले पार्लियामेंट एनेक्सी का उद्घाटन तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी के द्वारा किया जा चुका है। पार्लियामेंट लाइब्रेरी का शिलान्यास पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी जी के द्वारा रखी गई थी। ऐसे अनेक उदाहरण हैं, और उस सब के बावजूद न्यू पार्लियामेंट के इस ऐतिहासिक कार्यक्रम को जिस तरीके से गरिमामय कार्यक्रम को, गौरवशाली क्षण को, ऐतिहासिक पल को साक्षी बनकर के देशवासियों के लिए गरिमामय और गौरवमय बनाने के अवसर से विपक्ष अपने गैर जिम्मेदाराना बयानों के माध्यम से धूमिल करने का कुछ प्रयास कर रहा है, मुझे लगता है कि देश और इस देश की जनता जनार्दन इसके कतई स्वीकार नहीं करेगी।